मुझे इस मूवी को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ऐसा नहीं है कि यार मुझे इस मूवी से कोई नफरत थी, बट होता है ना कि आपको किसी मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ये मूवी आएगी, इसको देखेंगे। लेकिन इसके लिए तो भाई साहब बिल्कुल भी रत्ती भर भी एक्साइटमेंट नहीं थी। और रीजन साफ था, क्योंकि बॉलीवुड ने बीते समय में जैसा भी कंटेंट हमारे सामने परोसा भाई साहब, इससे तो उम्मीद लगाना ही खराब है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा मैं रूही मूवी के बारे में। इसे डायरेक्ट किया हार्दिक मेहता ने, इसके अंदर कास्ट है राजकुमार राव, वरुण शर्मा और मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर और बाकी अनेक कलाकार। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक यूपी के अंदर एक गांव है या कस्बा है, जो भी है, बागमपुर शायद उसका यही नाम है, अभी तो मैं भूल भी गया हूं क्या नाम था, मतलब अच्छी चीज है ना भूल गया। तो ये कोई गांव होता है जहां पर एक प्रथा चलती है पकड़ी बिहा, ऐसे मतलब पकड़कर शादी करवाने वाली। तो यहां पर लड़कियों को पकड़ा जाता है, किडनैप किया जाता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। और ऐसे करके वहां पर कुछ दुकानें खुल गई हैं लड़कियों को पकड़ने की, किडनैप करने की, ताकि उनकी शादी करवा दी जाए। और उसी ऐसी किसी दुकान में काम कर रहे हैं ये दो इंसान, एक का नाम होता है बोरा पांडे और एक का नाम होता है कटरनी। और इनको काम दिया जाता है कि जाओ भाई इस रूही नाम की लड़की को पकड़ो, क्योंकि इसकी शादी करवानी है, किसी ने कहा है। तो ये पकड़ कर अपने पास रख लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। और वहां पर इन दोनों को पता चलता है कि इस पे तो चुड़ैल का साया है। अब देखो यार, बॉलीवुड है, बॉलीवुड तो प्यार वाला चीज तो इसके अंदर घुसेड़ेगा। बोरा पांडे को प्यार होता है रूही से, और जो कटरनी है उसको प्यार होता है इसकी चुड़ैल से, जो इसके अंदर चुड़ैल जो रूप बाहर लेके आती है उससे। तो बस अब इस मूवी में यही दिखाया गया कि रूही में से इस चुड़ैल को कैसे अलग किया जाए। भोरा पांडे जाता है, तरह तरह के बाबाओं से मिलता है कि हाँ कैसे इस चुड़ैल को दूर किया जाए, कैसे अलग किया जाए, लेकिन कोई भी इसको मतलब हेल्प नहीं कर पा रहा है। मुझे इस मूवी का एक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये कि इसमें कटरनी और चुड़ैल को लेकर जो लव एंगल दिखाया गया वो काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि ये फनी सीन था। पूरी मूवी के दौरान यही हंसा हूंगा, जहां पर इनके बीच में जो गाना चल रहा था, जो इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे थे, इतना सीरियस ये दिखाया गया बंदा भोरा जो कटरनी है, मतलब बहुत ज्यादा। इसको अगर चुड़ैल कहते तो भी इसको गुस्सा आ जाए, कहते ऐसे कैसे कह रही यार मैं उसके लिए सीरियस हूं। बहुत ज्यादा मुझे ये पसंद आया। बाकी अगर मूवी की कहानी की बात करूं तो देखो इसके अंदर इतना ज्यादा दम नहीं है कि आपको मतलब बांध के रख पाए। जब मैं मूवी देख रहा था सीरियसली मुझे उबासी आ रही थी, और सोचो यार जब मूवी देखते वक्त आपको उबासी आ जाए तो यार वो मूवी सोच लो कितना ज्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप कर पाती है। और ये कला सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के पास है कि वो मूवी दिखाकर आप लोगों को बोर कर सकती है। एंड वंस अगेन, मैं विरोधी नहीं हूं बॉलीवुड का, बट क्या करें यार, ये जैसे जैसे कंटेंट लेके आ रहे हैं ना, बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। क्योंकि यार थिएटर में बैठे और आप उबासी ले रहे हो, कमाल है, वहां मूवी देखने एंटरटेन होने गए, वहां बोर करके भेज रहे हो यार तुम घर पे। लेकिन पूरी मूवी खराब नहीं है, कुछ मूवी अच्छी है, जैसे कुछ एक फनी सीन है वो अच्छे हैं, वहां पर हंसी आ जाती है। जैसे वरुण शर्मा की जो एक्टिंग है वो काफी ज्यादा मुझे पसंद आई। और अगर हॉरर सीन की बात करूं तो देखो इसमें हॉरर का नाम तो बस नाम ही है, मतलब इतना कोई डर नहीं है कि आप डर जाओगे, कॉमेडी है थोड़ी बहुत। परफॉर्मेंस की बात करूं तो हाँ, सबने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। राजकुमार राव की जो एक्टिंग है इसके अंदर, जिन्होंने प्ले किया भोरा पांडे नाम का एक करेक्टर, और यहां पर ये टैको टैब बोलते हैं ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मुझे काफी फनी लगा। काफी जगह उनकी जो बातें हैं, लहजा बात करने का, उसको सुनते ही हंसी आ जाती है। तो मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों की मूवी कैसी लगी। अगर आपने नहीं देखी और आप फैन है राजकुमार राव की, उनकी एक्टिंग देखना चाहते हैं, तो बेशक आप इस मूवी को देख सकते हैं अपने रिस्क पे। लेकिन कुछ भी कहानी में इतना इंटरेस्टिंग नहीं देखने को मिलेगा, कहानी की बात कर रहा हूं मैं, इतना इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगी कहानी, इतनी इस मूवी में दम नहीं लगा मुझे। और बाकी अगर आप लोग वेट कर सकते हो तो वेट कर लेना, क्योंकि इसका डिजिटल पार्टनर है, यानी जो स्ट्रीमिंग पार्टनर है वो नेटफ्लिक्स, आने वाले टाइम में आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।